subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. मध्य प्रदेश सागर में सहकारिता विभाग के एक बाबू को लोकायुक्त पुलिस द्वारा 50,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा बाबू का नाम प्रकाश कोरी है, जो सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ है। घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए लोकायुक्त SP ने बताया कि आवेदक रामावतार पटेल जो ग्राम लखेरी तहसील राजनगर जिला छतरपुर के समिति प्रबंधक के पद पर था, जिसे निलंबित कर दिया गया था। बहाली का उसके पक्ष में आदेश करने के एवज में वह राशि की मांग कर रहा था। शिकायत को सही पाते हुए लोकायुक्त टीम ने सिविल लाइन कालीचरण चौराहे पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में लिया गया है। सर, हमने सेवा सहकारी समिति लखेरी जिला छतरपुर में सेवा सहकारी समिति लखेरी में समिति प्रबंधक मेरी अध्यक्ष से पटरी न खाने के कारण उन्होंने मुझे पद से प्रभार हटा दिए। पहले फिर इसके बाद पद से हटा दिया। मैंने वहाँ छतरपुर DR के यहाँ केस लगाया तो वहाँ से मुझे बहाल हो गया। बहाल होकर मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली। ज्वाइनिंग करने के लिए जो प्रभार होना था वो प्रभार ना होने के कारण एक रामदयाल पटेल विक्रेता को समेत प्रबंधक का प्रभार अध्यक्ष ने दे दिया था। तो मेरे उस आदेश के विरुद्ध में यहाँ उन्होंने अपील की थी सागर JR के यहाँ। तो उस JR के यहाँ आदेश कराने के लिए मुझसे बाबूजी ने 50,000 रुपये मांगे मेरे, क्योंकि मैं सत्यता और हमारी पक्ष में आदेश होते गए और इस आदेश को ये भी आदेश मेरे पक्ष में ही होना था, लेकिन बाबूजी ने 50,000 रुपये कौन 3 साल से मैं यहाँ डेली मतलब PHC पे आ रहा हूँ। 3 साल से ये अभी मेरी अप्रैल से वेतन भी नहीं बनाई मेरे उस जो प्रभार न है। कौन बाबू है जिन्होंने पैसे की डिमांड मांगी? प्रकाश कोरी बाबू। प्रकाश कोरी ठीक है। सहकारिता विभाग में संयुक्त पंजीयक सहकारिता के कार्यालय में पदस्थ सहायक Grade 3 श्री प्रकाश कोरी को रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कालीचरण चौराहे पर उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जो हमारे पास शिकायत आई थी वो मूलतः शिकायत ये थी कि श्री पटना जो एक समिति प्रबंधक थे, 2015 में संबंधित समिति के अध्यक्ष और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको पदच्युत कर दिया था। इस पर उनके द्वारा अपील की गई थी, उनको उस पद पर वापस बहाली के लिए जो है प्रकरण चल रहा है संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाओं संभाग सागर के कार्यालय में, उसमें इनकी बहाली करवाने के नाम पर ये बाबू जो है उसे डीलिंग कर रहा था और बंदे को कार्यालय ना बुला के उसने कहा कि मुझे अधिकारी से मिलवा दो। अधिकारी से ना मिलवा करके बाहर बाहर उससे बात करके और उसको सिविल लाइन चौराहे पर बुलाया गया था और बाद में ये कालीचरण चौराहे पर उसको पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। चौराहे पर सर, ऑफिस कार्यालय में या फिर बाहर? रोड नहीं, कार्यालय से बाहर है। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? Dhara 7 PCA के तहत प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है।